रानीघाट रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और विस्तार का रविवार 6 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके हाथों डिजिटल शिलान्यास होने जा रहा है। रेलवे प्रशासन की ओर से इस शिलान्यास की बड़े प्रमाण में तैयारी शुरू है। माननीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी इनके द्वारा वर्धा जिला के 4 रेलवे स्टेशनों का विस्तार और सौंदर्यीकरण अमृत भारत योजना के रहते होने वाला है। इसका शिलान्यास डिजिटल प्रणाली द्वारा माननीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाने वाला है। हिंगनघाट शहर के रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और विस्तार के लिए सांसद रामदास तड़स इनके प्रयत्नों से हिंगनघाट शहर के रेलवे स्टेशन के लिए 23,72,00,000 रुपए की निधि प्राप्त हुई है। इस उद्घाटन कार्यक्रम के लिए सांसद रामदास तड़स, विधायक समीर कुनावार एवं माजी नगराध्यक्ष प्रेम बसंतानी इनके साथ गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति इस वक्त रहने वाली है। रेलवे प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की तैयारी जारी है। हमारी हिंगनघाट रेलवे स्टेशन का जो शिलान्यास है नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे, तेव्हा आपल्याबरोबर माजी नगराध्यक्ष प्रेमबाबू बसंतानी आपल्यासोबत आहे। त्यांना विचारूया कशा प्रकारचा हा कार्यक्रम राहील, त्याच्यानंतर हा जो रेल्वे स्टेशनचा विस्तार कसा मुझे बताइए कार्यक्रम किस प्रकार रहेगा और एक उद्घाटन के बाद में ये रेलवे स्टेशन का विस्तार किस प्रकार से रहेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी वो 6 तारीख को पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण का एक साथ उद्घाटन करेंगे। उसमें अपने लोकसभा क्षेत्र में हिंगनघाट, सेवाग्राम और पुलगांव का समावेश है। अपने हिंगनघाट रेलवे स्टेशन को करीब 23,25,00,000 रुपये का निधि संचयन हुआ है। हिंगनघाट रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो जाएगा। मैं खासदार रामदास जी तड़स का खूब खूब अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में 3 रेलवे स्टेशनों का समावेश किया है। मुझे बताइए ये यहाँ पर जो रेलवे सुविधा विस्तार हो जाएगा, सौंदर्यीकरण होएगा, लेकिन अनेक स्टॉपेज का जो है यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है, तो रेलवे प्रवासी स्टॉपेज भी बढ़ाया जाएगा क्या? उसके लिए भी मैं पिछली बार दिल्ली गया था रामदास जी तड़स के साथ। अभी ये 6 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बाद में सोमवार को मैं रामदास जी तड़स के साथ दिल्ली जा रहा हूँ और उनके साथ में मैं रेल मंत्री को मिलकर हिंगनघाट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉपेज जो होने चाहिए उसके लिए भी विनंती करेंगे। एकूणच आपण प्रेम बाबू बसंतानी माजी नगराध्यक्ष यांच्याकडून जाणून घेतलं आहे, रेल्वे स्टॉपेजबद्दलही माहिती घेतली आहे। त्यांचं म्हणणं आहे का येणाऱ्या काळात रेल्वे स्टॉपेज हिंगनघाट रेल्वे स्टेशनवर वाढवले जाणार आहे, अशीच काही प्रतिक्रिया प्रेम बाबू बसंतानी यांनी। स्टेशनचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार होणार आहे। जवळपास ह्या रेल्वे स्टेशनवर अमृत भारत योजनेअंतर्गत जवळपास 23,72,00,000 रुपयाचं जे सौंदर्यीकरणाचं आणि मोठ्या प्रमाणात काम होणार आहे त्याची तयारीसुद्धा सुरू आहे। आपण मागे पाहू शकता आमच्याबरोबर आहे रेल्वे यात्री संघाचे जे सदस्य आहे राजेश भाऊ कोचर यांच्याशी विचार बोलो। ये कल जो विस्तार होने वाला है और कर बड़े प्रमाण में उद्घाटन 6 तारीख को माननीय जो पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी वो डिजिटल तरीके से करने वाले हैं, तो आपकी क्या राय है और क्या कहना है? हिंगनघाट में रेलवे के स्टॉपेज भी और होना चाहिए और हिंगनघाट में बल्लाशाह टू बॉम्बे डेली एक ट्रेन और पूना बल्लाशाह टू पूना डेली एक ट्रेन चलना चाहिए। और हिंगनघाट में यहाँ पे डेवलप तो हो रहा है 23,75,00,000 रुपए का, तो यहाँ पे और भी और सुविधा और जो लिफ्ट की शेड की ये होने जा रही है। कुल मिला के जो है आपका कहना है कि प्रवासी यात्रा ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ पर देना चाहिए, उस बारे में आप जो 6 तारीख को जो उद्घाटन होने वाला है वहाँ पर आप मांग करने वाले हैं? हाँ, ये मांग करने वाले कि स्टॉपेज और होना हमारे को हिंगनघाट के लिए जो कोरोना काल में बंद हुए थे वो स्टॉपेज वापस से चालू होना चाहिए पूरे गाड़ियों के। कुल मिला के ये जो सौंदर्यीकरण या बड़े प्रमाण में विस्तार रेलवे स्टेशन का होने वाला है इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये क्या पहल होगी हिंगनघाट के लिए? हिंगनघाट के लिए एक डेवलप अच्छा रेलवे स्टेशन होएगा, सुविधा सब मिलेंगी, शेड होंगे, लिफ्ट लगेंगी 3 और कैंटीन और क्या बोलते हैं स्टेशन मास्टर अगर का सब और नीचे का डिस्प्ले और पार्किंग व्यवस्था। एकूणच रेलवे यात्री संघाचे जे सदस्य आहे राजेश भाऊ कोचर यांच्याकडून आपण माहिती घेतली आहे, त्यांचं म्हणणं आहे का रेल्वेचा विस्तार किंवा सौंदर्यीकरण मोठ्या प्रमाणात जरी होत असेल तर हिंगनघाटमध्ये रेल्वे स्टॉपेज जे ज्या प्रमाणात पाहिजे, कोरोना काळानंतर अनेक रेल्वे स्टॉपेज जे बंद पडले आहे त्यानंतर रेल्वे प्रवासी स्टॉपेज वाढवल्या जावे या सौंदर्यीकरणाच्या आधी किंवा नंतर, तेव्हाच या क्युटर रेल्वे स्टेशनचा या सौंदर्यीकरणाचा किंवा डेव्हलपमेंट होणाऱ्या रेल्वे स्टेशनचा फायदा जो आहे हिंगनघाटकरांना होईल, अशीच प्रतिक्रिया राजेश भाऊ कोचर यांनी दिली।
हिंगणघाट रेल्वे स्टेशनवर हिंगणघाट रेल्वे स्टेशनवर येत्या 6 तारखेला मोठ्या प्रमाणात अमृत भारत योजनेअंतर्गत माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या हस्ते डिजिटल स्वरूपाने शिलान्यास होणार आहे। जवळपास 23 कोटी 72 लाख रुपयाचा विस्तार किंवा सौंदर्यीकरण मोठ्या प्रमाणात या रेल्वे स्टेशनला डेव्हलपमेंट करण्यात येणार आहे। आपण दृश्यांमध्ये पाहू शकता, या दृश्यांमध्ये पाहू शकता उद्घाटना 6 तारखेला रविवारी होणाऱ्या उद्घाटनाची जय्यत तयारी रेल्वे प्रशासनाकडून सुरू आहे। या उद्घाटनात माननीय खासदार श्री रामदास तडस, आमदार समीरभाऊ कुणावार आणि जी अनेक गणमान्यांची जे उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात राहणार आहे, तसेच जिल्ह्यातल्या मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यातले जे आला अधिकारी किंवा मोठे अधिकारी आहे यांची सुद्धा उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात राहणार आहे। आपण एकूणच विचार केला, अमृत भारत योजनेअंतर्गत 23 कोटी 72 लाख रुपयाचा खर्च, मोठ्या प्रमाणाचा खर्च जो आहे हिंगणघाट रेल्वे स्टेशनच्या सौंदर्यीकरणात आणि विस्ताराकरिता करण्यात येणार आहे। जवळपास रेल्वे अधिकाऱ्याकडून आपण जी माहिती घेतली आहे, या विस्तारामध्ये जवळपास हिंगणघाट रेल्वे स्टेशनचं जे गेट आहे तहसील कार्यालयापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे किंवा तिथपर्यंत जाईल अशी माहिती रेल्वे अधिकाऱ्याकडून दिली आहे। पण एकूणच अमृत भारत योजनेअंतर्गत जेव्हा या रेल्वे स्टेशनचा विस्तार होत आहे, पण कोरोना काळात अनेक गाड्यांचा जे स्टॉपेज आहे किंवा यात्री गाड्या आहे त्याचं स्टॉपेज बंद करण्यात आलं, त्यानंतर अनेक संघर्षानंतर या यात्री गाड्या काही प्रमाणात सुरू झाल्या आहे, पण अमृत भारत योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाल्यानंतर इथे यात्री प्रवासी गाड्यांचे मोठ्या प्रमाणात स्टॉपेज आवश्यक लागणार आहे। नाहीतर इतका मोठा विस्तार करून या रेल्वे स्टेशनचा काही फायदा नाही राहणार आहे। कारण का येणाऱ्या काळात हे हिंगणघाट शहर हे वाढते शहर आणि मोठ्या प्रमाणाचं शहर आहे, अशी परिस्थिती हिंगणघाट शहराची आहे। तेव्हा मोठ्या प्रमाणात हिंगणघाट जनतेचा अनेक काळापासून आहे की रेल्वे प्रवासी गाड्याचा थांबा मोठ्या प्रमाणात द्यावा, तेव्हाच एकूणच अमृत भारत योजनेच्या अंतर्गत जे रेल्वे स्टेशनचा विस्तार करण्यात येणार आहे किंवा मोठ्या प्रमाणात सौंदर्यीकरण करण्यात येणार आहे, तेव्हाच याचा फायदा हिंगणघाटकरांना होणार आहे। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येणूरकर की रिपोर्ट।